इस दुनिया में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, प्यार नफरत, सुख दुख, दोस्त दुश्मन, जीवन मरण, सुबह शाम, किस्मत बदकिस्मत, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब को डिसाइड करने वाला सिर्फ एक ही होता है, वक्त। कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, उसी वक्त के पीछे हम दौड़ रहे हैं, वही है रन। वक्त दो तरह के होते हैं, एक अच्छा वक्त, दूसरा बुरा वक्त। अगर अच्छा वक्त हो तो दुनिया में हमारी पहचान बनती है, वहीं अगर बुरा वक्त हो तो दुनिया को हम पहचान पाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा आदमी जिसका वक्त बुरा था, अमेरिका में एक बड़े वीआईपी फंक्शन में उसने एक छोटा सा बॉम्ब मारा, बड़ा सा बॉम्ब। उसी वजह को लेकर उसकी बीवी ने कोर्ट में डिवोर्स अप्लाई कर दिया। सुबह शाम मेहनत करके अपनी पत्नी के लिए पैसा कमाता था, पर अगर पत्नी ना रहे तो पैसों की क्या जरूरत, ये सोचकर उसने पूरी जायदाद आश्रम के नाम कर दी और खुद भी आश्रम में चला गया। अमेरिका में उसका बुरा वक्त शुरू होने की वजह से यहां हमारी कंपनी, जो उसकी कंपनी पर डिपेंड थी, सड़क पर आ गई। मेरा बॉस हर महीने मेरी सैलरी नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे सीधे पिंक स्लिप दे दी, मतलब नौकरी से निकाल दिया। वक्त का घूमना क्या होता है मुझे तब समझ आया, वरना कहीं दूर अमेरिका में उसने बॉम्ब मारा और उसकी स्मेल मुझे यहां हैदराबाद में आ गई। एक महीने में मेरी दीदी की शादी है, लोन के लिए अप्लाई किया था, चेक आने ही वाला था कि ये सब हो गया। जायदाद गिरवी रखकर पैसे देने वालों को देखा होगा, लेकिन वीकनेस गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देने वाला रत्ती राजा है। रत्ती रत्ती का हिसाब रखता है, मर्द की ताकत और कमजोरी दोनों औरत ही होती है, इसलिए रत्ती राजा ने सबसे पहले यही पूछा। पत्नी है? नहीं भाई। क्यों? अब शादी नहीं हुई। ओ, घर? मतलब वो? वो भाई, ये मेरा रूममेट है भाई। नाम क्या बताए? संजय। संजू भाई। देखो मणि। हाँ भाई। 1 point, इसकी शादी नहीं हुई। 2 point, तेरे भरोसे पर पैसा दे रहा हूँ। हर महीने टाइम पर ब्याज आ जाना चाहिए। 3rd point, चौथे महीने में पैसा वापस चाहिए। ओके ना? ओके भाई। हाँ? ओके भाई। मैं पैसे कैसे भी चुका दूंगा, पैसों के लिए इस तरह मेरे घर तो मत आओ, मैं ही आ जाता। मैं जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करूंगा। तेरा टाइम कल ही पूरा हो गया था। नहीं, वो मैं ही कह रहा था कि फोन करता हूँ तो फोन ही नहीं उठाता, समझता क्या खुद को? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो राजा, प्लीज। उठ 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 यार, उठ।
बैठ जा। तेरा घर, तेरा डाइनिंग टेबल, तेरी ही चेयर, तेरा बेडरूम सुपर है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुपर तेरा बाथरूम है। रात को यहीं पर सोया था, इटालियन मार्बल से ना, बहुत अच्छा था। बैठ जा, बैठ जा। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा दे दूंगा। ओ, जितनी जल्दी हो सकेगा दे देगा। अरे रे 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 रे, मुझे पता नहीं था इसलिए तेरी बेटी का दुपट्टा लेके आ गया। क्या करोगे धनु? धनु, धनु, मेरा पैसा मुझे लौटा और दुपट्टा लेकर जा। आंखों से आंसू बहाना बंद करके पैसे का इंतजाम कर जा। ये तो ब्याज हुआ, मूल रकम बाकी के 2-3 दिन में चुका दूंगा मैं। दो या तीन दिन में। ये पॉइंट सही है ना? सही है ना? हाँ भाई। देख संजू, अगर तूने टाइम पर पैसे वापस नहीं किए ना तो ये मेरी पैंट उतार देगा यार। तेरी पैंट की गारंटी मेरी। तूने तो कहा है उसका घर है। मुझे क्या पता यार, उसने यहाँ पर बुलाया तो यही घर होगा। ए, ब्लैक एंड व्हाइट, तूने तैयार हुआ कि नहीं? आ रहे भाई, आजा। तेरे पास 3 दिन है, सही वक्त पे पैसा नहीं आया ना, कहाँ का रहने वाला है? चेन्नई का हूँ, 30 साल से यही रह रहा हूँ। यहाँ के लोगों को हैप्पी एंडिंग पसंद है, तमिल वालों को सैड एंडिंग पसंद है। तुम्हारे साथ क्या करूँ खुद ही डिसाइड कर लो। तीसरे दिन शाम को अगर पैसा मेरे घर नहीं पहुँचा तो तेरे घर पे खड़ी कार मेरे शेड में होगी। Microsoft में जॉब कंफर्म है, समझ ले मिल गई। Your expectation is more. Sorry, you are not qualified. दीदी की शादी को 4 महीने हो गए और बुरा वक्त अभी भी मेरे साथ ही है। पहले 2 महीने कैसे भी मैनेज करके ब्याज चुका दिया, 2 महीने से कुछ नहीं दे रहे, अब ब्याज और मूल दोनों चुकाना होगा। रत्ती राजा अगर फोन करेगा तो क्या कहूँगा पता नहीं, उसने मुझे आज तक की मोहलत दी थी, अगर आज उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे बेरहमी की मौत देगा। पैसों के लिए मणि से बात की, वो कुछ अरेंज कर रहा है, श्योरिटी दी थी ना, उसका डर उसे भी है। अम्मू, जब मैं 5th क्लास में था तब उसने 3rd क्लास में एडमिशन लिया था और मेरा फोकस पढ़ाई से उसके ऊपर चला गया। 2 साल बाद 5th क्लास में आ गई, इसलिए मैं भी 5th क्लास में ही रह गया। फेलियर में भी सक्सेस मिलती है, ये मुझे तब समझ आया। तब से हम दोनों एक ही क्लास में थे, 5th क्लास से मेरी जॉब तक। बचपन में जब उसे देखा था तब मैंने कभी नहीं सोचा था
कि वो इतनी सुंदर लड़की बनी, मेरा फर्स्ट लव, मेरी बेस्ट फ्रेंड अम्मू। पर अब तक बताया नहीं, लड़का हूं ना, बोलने की हिम्मत से ज्यादा उसके ना कहने का डर लगता है। सॉरी, वो रास्ते में बड़ी बस ने आकर छोटे ऑटो को टक्कर मार दी, फुल ट्रैफिक जाम, इसलिए बहुत लेट हो गया। रीजन बहुत बेकार है ना। इट्स ओके, अगली बार अच्छा रीजन दूंगा, मतलब लेट नहीं होऊंगा। कुछ कहने चाहते थे ना? वो अरे रे रे, आजा आजा। वो दीदी, जीजू, मेरे फ्रेंड सब कहते हैं मैं जिससे शादी करूंगा उसे बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल झेलने के लिए क्या तुम तैयार हो? हाँ? अब मेरे मतलब मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी, वो ऐसा कहते हैं। अब एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ते हो गए, तीन हफ्ते हो गए, तुम कुछ कहोगी? क्या कहूँ, एक बार भी वक्त पर आए हो क्या? कल टाइम पर आ जाऊंगा। तीन हफ्तों से तुम्हारी बताई जगह पर, तुम्हारे दिए टाइम पर, तुम्हारे लेट आने पर भी तुम्हारे लिए वेट करती हूँ ना, इसका मतलब क्या है? क्या है? तुम्हारे लिए ऑलरेडी मुश्किलें झेल रही हूँ ना। हाँ। अच्छा। सच? मेरे लिए झाके आँख में चोली तुझसे खेले, दिल मेरा डायनामाइट बन गया है, प्यार करके ट्यूबलाइट बन गया है, कब ये जले कब बुझ जाए। क्या क्या करूं, कैसे कैसे करूं, ये दिल संभले न संभाले, ये लब सब हो जब जब जीने के बढ़ जाए लाले। हम तो है दिलदारे, तुझ पे मरने वाले।
शाम का वक्त, ठंडी हवा, प्यार करने वाली लड़की, फर्स्ट किस। पापा, ससुर जी, चलो निकलो। तुम रुको। आ रही हूँ। इज्जत से दीदी और जीजू के साथ मिलकर लड़की का हाथ मांगने उनके घर गया। अंकल को मैं पसंद आया या मेरी जॉब पसंद आई पता नहीं, लेकिन सब अच्छे से हुआ। कुछ दिन बाद अम्मू और मेरी शादी करा देंगे, अंकल ने वादा किया, लेकिन बाद में मेरी जॉब चली गई। अब मुझसे पूछते हैं और कितने दिन लगेंगे। कल ही दो इंटरव्यू देकर आया अंकल, रिसेशन है ना, पर जल्दी जवाब आ जाएगा। पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया था। तुम्हारी ये रिकॉर्ड सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं अब तो। उस दिन इमोशन में आकर तुम्हारे घर के लोगों के सामने मैंने हाँ कर दी। आज जब वो याद आता है तो मन करता है अपने गालों पर थप्पड़ मार लूं। एक बाप बेरोजगार बेटे को भले ही पाल पोस सकता है, लेकिन बेरोजगार दामाद को पालने पोसने की तरक्की भारत ने नहीं की अभी। सुनिए, क्या है? कम से कम अम्मू के लिए संजू को थोड़ा वक्त दीजिए। हेलो, हाउस वाइफ हो डायलॉग बोल लो, लेकिन डिसीजन जोन में मत घुसो। पहले तुम सब्जियां देख कर काटो, नहीं तो परोसने के लिए उंगलियां नहीं बचेंगी। जिसके पास नौकरी नहीं होती ना, उसे निकम्मा कहते हैं, और जिसे सारी दुनिया निकम्मा कहती है, उसे मैं प्यार से अपना दामाद कैसे बुला सकता हूँ। आपका डर सही है अंकल, एक पिता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी दिख रही, लेकिन आपकी बातें, मैं मुझसे शादी करूंगा मैंने वादा नहीं किया था, उसने किया था, उसने मुझसे किया। हम प्यार करते हैं अंकल, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें बड़ा करेंगे, फिर उनकी शादी करेंगे। इस पूरी स्टोरी में मुझे आप नजर नहीं आ रहे अंकल। ज्यादा से ज्यादा त्योहार जन्मदिन पर साथ खाना खाएंगे बस। हम आपसे छुपकर प्यार करते हैं, और आपको बिना बताए शादी करना मुश्किल नहीं है अंकल। आपसे आकर परमिशन मांगी क्योंकि आपकी इज्जत करते हैं, प्लीज आप उसका एडवांटेज मत लीजिए। फाइनली शादी तो होगी अंकल, आप मान गए तो शादी की फोटो में रहेंगे, वरना शादी की फोटो को ही देख पाएंगे। ओके। बोलो, क्या प्रोग्राम है? एक लड़की को उसके पापा ने जो रिश्ता बताया वो पसंद नहीं आया। जिससे प्यार करती है उसके लिए घर से भाग जाने को क्या कहते हैं? भाग जाना कहते हैं। और अगर लड़का ही लड़की को ले जाए तो? भगा कर ले गया कहते हैं। अब क्या प्रोग्राम है तुम ही बताओ, भाग कर आ जाऊं या भगा कर ले जाओगे? हुआ क्या है? पापा नहीं बदलेंगे संजू, अगले महीने 25 को मेरी शादी फिक्स करती है, बाहर यही बात चल रही है। 25 तक वक्त है ना, शांति से सोचते हैं। तब तक इसी घर में रहकर उसकी होने वाली बीवी कहलाने के बदले तुम्हारे साथ भाग कर शादी कर लूं, वही अच्छा रहेगा संजू। अरे नहीं अम्मू, अभी तुम इस बैचलर रूम में। पता है वो बैचलर रूम है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है। हर रोज रात में शराब पी कर आओगे तब मुझ पर प्यार और भी बढ़ जाएगा। हम दोनों को साथ मूवी देखनी हो तो 10 बार सोचना पड़ेगा, ये भी मुझे पता है संजू। पहले ही कहा था ना, तुम्हारी होने वाली बीवी को मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। मुश्किलें झेलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे झेलने के लिए तुम रेडी हो ना? ठीक है, लेकिन एक बार आधे घंटे में पोस्ट ऑफिस के पास पहुँच जाऊंगी। ठीक है, मैं मणि के पास जाकर पैसे लेकर आता हूँ। ओके, बाय बाय। Thank you.
अंजू आज पैसे देगा ना? मणि ने कहा था आज पैसे देगा, देते ही लाकर दे दूंगा। अगर उसने नहीं दिए तो मणि से मांग कर ला, उसके मामा से मांग। आज शाम तक मेरे घर पैसा आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे पास आऊंगा और उसके बाद क्या होगा तुझे पता है ना? भाई उसी का कॉल है, उससे बात करके आपको कॉल करता हूँ। भाई तो किसी से भी बात कर ले, लेकिन अगली बार कहा कि पैसा नहीं है तो ब्याज में तुझे मूल में तेरे दोस्त को तुम दोनों को मार डालूंगा। तू मुझे अच्छी तरह से जानता है संजू, इसलिए ध्यान रखना। हे, पैसे मिल गए क्या? हाँ मिल गए यार, ऑफिस में हूँ, आकर ले जा। थैंक्स यार। है बताओ, मैं आता हूं। इसने क्यों उठा लिया? गिनेगा तो भी पांच पांच ही रहेगा, छह नहीं हो जाएगा। ला दे। भाई ऑटो का ब्रेक और क्लच प्लेट खराब हो गई है तो? ये बात तुझे पता है, ऑटो को पता है, ऑटो में बैठने वाले और सामने से आने वाले को नहीं। जा, अगर टक्कर हो गई तो सबको पता चल जाएगा। मेरे बाप की रोड है, जो भी सामने आए उसे ठोक दे। भाई जा, कहां ना जा। ए भाई, पैसा कहाँ है? एक्चुअली मॉर्निंग वेक्ड अप, गर्लफ्रेंड वेक्ड अप, इनसाइड पेन। ए ये जॉनी जॉनी यस पापा की कहानी मुझे मत सुना, हिंदी में बात कर। दे दूंगा ब्रो, आई विल गिव। नाम क्या बताया था? मानिक चंद है। मानिक के निकनेम मानिक। इधर आ, इधर आ बे। सेटल हो जाए तो ये ले जा। बाय 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 बाय। ये मेरे भाई ने बर्थडे गिफ्ट दिया है, सो प्लीज। ए शहर में मैंने तेरे भाई के पोस्टर देखकर तुझे पैसे दिए थे। दोपहर को 2:30 बजे तक अगर सेटलमेंट नहीं किया ना तो दो या ढाई, दोपहर 2 बजे तक का वक्त है। 2 बजे तक का, okay. समझा? अगर सेटल नहीं किया ना। तेरे डराने से डरने वाला वोटर नहीं हूँ मैं, शूटर हूँ, उड़ा के फेंक दूँगा, उड़ा दूँगा, समझा? भाई, एक्चुअली 500 अगर आप दे दोगे तो दोपहर में 2 बजे तक सारे मिला के वापस कर दूंगा। ओके, थैंक यू भाई। hey, अगर 2 बजे तक इसके साथ पुराना हिसाब चुकता नहीं किया तो तू मुझे जानता है ना? तेरे डराने से डरने वाला वोटर नहीं हूँ मैं, शूटर हूँ, उड़ा के फेंक दूंगा। 2 बजे तक दे दूंगा भाई, प्लीज मेरे भाई से मत कहिएगा। ये बात तेरे भाई को पता चलेगी या नहीं ये तुझ पर डिपेंड है, तू मुझे जानता। तेरे डराने से डरने वाला वोटर नहीं हूँ मैं, शूटर हूँ। सॉरी भाई, रिंगटोन बदल। ए, भाई ये रिंगटोन मुझे चाहिए। जी भाई।
हेलो संजू, और बताओ क्या हाल चाल है? आज पेपर नहीं पढ़ा क्या जीजू? मजाक कर रहा है? हाँ सब ठीक है। दीदी कैसी है? दीदी का क्या है, वो ठीक है। और ठीक रखने के लिए क्या करूँ यही सोच रहा हूँ। दीदी का ख्याल रखना जीजू। उसी काम के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। इसके अलावा एक छोटा सा काम है। मैं तेरे ऑफिस के पास में ही हूँ, बैठ कर बात कर सकते हैं? अरे नौकरी चलेगी तो ऑफिस कहाँ। वो आज छोटा सा काम था, ऑफिस से लीव लेकर बाहर आया हूँ। फ्री होने के बाद कॉल करूँ, कहीं बाहर मिलते हैं। बाद में कहोगे कि सुबह मिल लेते तो अच्छा होता, एक बार और सोच लो ना। ऐसा नहीं है जीजू, मैं नहीं कहूंगा, आपको फ्री होके कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। ओके ए, हम पहले ये पैसे ले जाकर रत्ती राजा को दे दे, थोड़ा सर दर्द कम होगा। हेलो, व्हाई द हेल यू डिडंट शेव, कम टू माय केबिन। कौन है भाई? मेरा बॉस है, अंदर मेरी शेविंग करेगा, मैं जाकर आता हूँ। थैंक्स यार। अगर वो रत्ती राजा ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ना तो मुझे फोन मत करना प्लीज। यार तो कितना अच्छा दोस्त है। ये फ्रेंडशिप और मनी दोनों ना आग और पानी की तरह होते हैं। दोनों होते अच्छे हैं लेकिन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये कभी नहीं मिल सकते। पता नहीं यार, अब तो तेरे पैसे देने के बाद ही सुकून मिलेगा। हाँ डडा, काम पर जा। हेलो संजू, मैं अम्मू बोल रही हूँ। चेन चोरी हो गई? अरे बच्ची हो क्या तुम? चेन का ध्यान नहीं रख सकती, इतनी बड़ी हो गई हो। मुझे क्या पता था संजू? हाँ अम्मू, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अपनी चेन का ध्यान नहीं रख सकती और अपना फोन भी भूल गई। तुम्हें फोन किया था तो तुम्हारे पापा ने उठाया। मैं क्या कर सकती हूँ संजू? ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी रत्ती राजा को पैसे देने जा रहा हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। हाँ। तुम कॉल कहाँ से कर रही हो? बस स्टॉप के पास एक टेलीफोन बूथ है, वहां से। अच्छा ठीक है, मैं आके मिलता हूँ। ओके बाय। भाई
Can I help you, sir? क्या चाहिए सर? क्या दोगी? Excuse me? Shave it! Stupid! Hello? Who are you? Who are you, man? Security! Security! Call the security, I say! Money चाहिए. 1 minute. हमें मनी चाहिए. मेरी मनी भी पर्स नहीं है सर. मनी इंसान की बात कर रहा हूँ. मनी क्लास में है सर. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग द वर्क ऑफ अ टीम टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स एंड मीट द सक्सेस क्राइटेरिया इजंट इट. गुड मॉर्निंग भाई. ऑलरेडी संजू को पैसे देकर आपके पास ही भेजा है भाई. उसे कॉल कर. भाई अभी वो कॉल नहीं उठा रहा है. मेरे साथ खेल रहे हो? अपने पैसे के लिए भीख मांगो? उसे फोन लगाने पर नहीं उठाता. तेरी तो पागल लगता हूं मैं तुझे. पैसे देकर भेजा है उसे मैंने. ये कहानियां किसी बच्चे को सुनाना, मुझे नहीं. भाई सच में पैसे देकर भेजा था भाई, यकीन करिए. एक घंटे के अंदर कॉल कर, शाम तक पैसा चाहिए, नहीं तो तू मुझे. शाम तक कैसे भी करके पैसे मैं आपके पास भिजवा दूंगा. प्लीज भाई अब जाइए, वरना ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे. अगर तेरी नौकरी गई तो ये भी जाएगा. भाई चल. भाई पुलिस स्टेशन के अंदर कैसे जा सकते हैं? इससे इसे मार दो, वो अपने आप अंदर ले जाएंगे. वहां से चले जाइए सर. ये क्या है,
माधापुर लिखने की जगह मंधापुर लिखा है, पी कर लिख रहे हो क्या? बचपन में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? कितने आएंगे, अंडे आए थे, इसीलिए अंडे की तरह लिख रहे हो। उसे मारने को कह रहे थे, तुझे मार दूंगा तो परेशानी खत्म हो जाएगी तेरी। शक्ल तो देखो मुर्गे जैसी है। हाँ, तू तो जैसे शाहरुख खान है। पागल है सर, डायनोसर। भवानी कॉफी दे, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। ऐसा मत करना सर, मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर आपने कंप्लेंट की तो मेरी नौकरी चली जाएगी ना। अरे वो नहीं सर, आपकी नहीं, मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया, उसकी कंप्लेंट लिखवानी है। कंप्लेंट लिखवानी है, तो आपका नाम क्या है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, ये जी क्यों लगाया? बचपन में श्रीनिवास कहते थे, बड़ा हो गया इसलिए रेस्पेक्ट से जी। आधार कार्ड का जेरोक्स, आपके पासपोर्ट साइज और आपके बेटी की एक फोटो देकर जाइए। मैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने नहीं आया। हाँ, हमें भी पता है, एड्रेस के लिए आधार कार्ड चाहिए और आपके बेटी को पहचाने के लिए उसकी फोटो। वैसे इंस्पेक्टर साहब कहाँ? अंदर सेल में है, किसी को पीट रहे हैं, बाहर पेंटिंग चल रही इसलिए अंदर है। ओ, फिर तो उन्हीं को कंप्लेंट देता हूं। सर सर सर, यहां यहां दीजिए, मुझे दीजिए ना फोटो सर, अंदर मत जाइए सर। वन मिनट, अपनी फोटो क्यों निकाल रहा है ये सेल्फी है। बोलो। आई पद्मावती सर, मैडम जी नहीं है। कौन सी मैडम? वही सर, पद्मावती मैडम। मैं ही पद्मावती, बताइए बात क्या है? आपके पास कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। कान में सर। ये सीक्रेट नहीं है, जोर से बोल सकते हैं, बोलिए। पेन कान पर लगी हुई है। तू क्यों हंस रहा है, चुटकुला चल रहा है यहाँ? कंप्लेंट क्या है? मेरी बेटी को कोई उठाकर ले गया है। किडनैप है? लड़की का नाम? अमूल्या। लड़की दिखने में कैसे दिखती है? सुंदर देवी की तरह दिखती है सर। पक्का किडनैप ही है। हाँ, एड्रेस बताइए। आपके थाने से लेफ्ट लेने पर वहाँ एक नारियल का पेड़ है सर, ऊपर से नारियल गिरा तो सर फूट सकता है। वहाँ से राइट लेने पर एक फोन बूथ है, उसकी दीवार पर गालियाँ होंगी, उन्हें मत देखिएगा। वहाँ से दाईं तरफ सातवें अपार्टमेंट में आठवें फ्लोर पर नवा फ्लैट मेरा है सर, वहाँ तालाबतुल्ला श्रीनिवास जी के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। मुझे पिज्जा डिलीवरी करने वाला समझ रहे हैं? पोस्टल एड्रेस बताइए। 19/199/1 माधापुर हैदराबाद। ठीक है, आपको किसी पर शक है क्या? शक कह रहे हैं, पूरा यकीन है, संजू ने ही किया है। संजू? वो कौन है? संजू नाम का एक लड़का मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, डिटेल्स लिख लीजिए। नाम संजय, फोन नंबर 9966555444। वीआईपी नंबर है, लड़की की फोटो है? हाँ है ना सर। ये क्या कर रहा है? शाम को 5 बजे तक आपकी बेटी आपके घर में होगी, जाइए। मेरी बेटी घर आ जाएगी वो तो ठीक है, पहले उस लड़के को पकड़कर खूब मारिए आप। सर, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। क्यों? वो आपकी शादी के कार्ड पर पद्मावती वेड्स पार्वती देखकर कहीं लोगों ने गलत तो नहीं समझा होगा ना सर? फिर हंसने लगा तू? मेरे फैमिली मैटर से तुझे क्या? जा। सॉरी सर। जाइए। समझ गया सर। हेलो, कहाँ हो तुम? रत्ती राजा को पैसे देने जा रहा था, रास्ते में एक चोर ने पैसे चुरा लिए। क्या कह रहे हो? सॉरी यार। कोई बात नहीं संजू, तुम यहाँ आ जाओ, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हेलो। पागल लगता हूँ मैं तुझे, फोन क्यों नहीं उठाता, खुद को समझता क्या तू? भाई, मणि के पास से पैसे लेकर आपके पास ही आ रहा था, किसी ने रास्ते में पैसे चुरा लिए। क्या कहा? चुरा लिए? ए, मुझे तेरी ये सब कहानियां नहीं सुननी। संजू, वन पॉइंट। शाम को 5 बजे तक अगर मूल के साथ पैसा नहीं चुकाए तो जहां तू है मैं वहां आऊंगा, और अगर मैं वहां आ गया तो पता है ना। संजू, सेकंड पॉइंट इसमें है ही नहीं। ला पिला।
Hey bro, what's up? What happened यार? सही वक्त पे फोन किया bro. मुझे भी 10,000 चाहिए. Hello. Hello. 1,00,000. Can I ask my dad? Quarter लेकर रूम पर आ जाओ यार, डिस्कस कर लेते हैं. बहुत टाइट है मेरे दोस्त. कल बेट लगाई थी यार 2,00,000 रुपए की, हार गया. बहुत मुश्किल है. मेरी शादी है यार, तेरे लिए जान दे सकता हूँ पर पैसे मत मांग. यार कल ही गर्लफ्रेंड को स्कूटी दिला दी. गाँव में हूँ यार, बाद में करता हूँ. हाय, 100 का नोट दे के हफ्ता हो गया भाई. मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यार. हेलो, कितने चाहिए? 1,00,000. इतने कम? जरूरत उतनी ही है. किडनैप करके इतना कम डिमांड कर रहे हैं? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ए, माधवपुर का एसआई. सर सर, सॉरी सर, मुझे लगा मेरे किसी फ्रेंड ने फोन किया है. आपका नाम क्या है सर? मेरे नाम का क्या करेगा सर, बोल ना. ओके सर. अमूल्या कहाँ है? सर आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है. हिंदी में ही बात कर रहा हूँ. तूने जिसे किडनैप किया वो अमूल्या कहाँ है? सर वो मेरी फियांसे है, हमारी शादी होने वाली है, मैं उसे किडनैप क्यों करूँगा? ये सब मुझे नहीं पता. मेरे पास कंप्लेंट आई है, शाम को 5 बजे तक लड़की मेरे थाने में होनी चाहिए, समझ गए? आपको कंप्लेंट किसने की सर? मुझसे इंक्वायरी करेगा तू? ओके सर. मेरे पास पैसे हैं यार, तू लेके आ जा. अरे वो पैसे से नहीं मान रही यार. थोड़ी तारीफ कर दे, मान जाएगी. तारीफ करने से मान जाएगी? ऑल आउट लगाने से मच्छर ना मरे हो सकता है, तारीफ से लड़की ना पटे हो ही नहीं सकता. ठीक है यार, ट्राई करता हूँ. माधापुर के कॉफी शॉप में हूँ, आ जा. ओके, आता हूँ. हाँ, आ जा. बंद करके कहां चला गया? भाई साहब, BSNL रिचार्ज कूपन है? नहीं है, कल आएंगे. कल आएंगे? तो आज क्या करने के लिए दुकान खोली है आपने? एक कॉल करता हूँ. मोटे भवानी कॉफी दे. सर 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 प्लीज आप बैठिए ना सर. हेलो पद्मावती जी, मैं यहाँ से श्रीनिवास जी बोल रहा हूँ. कौन श्रीनिवास? मदद करने वाला श्रीनिवास क्या? आपसे मदद मांगने वाला श्रीनिवास हूँ. सुबह बेटी के किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी ना, वही श्रीनिवास हूँ. आप हैं, बोलिए. केस कहाँ तक पहुँच गया सर? किडनैप करने वाले को पकड़ा या नहीं अभी तक? लेकिन वो तो कह रहा था कि वो लड़की मेरी फियांसी है. शादी करने वाले हैं दोनों. बातों से तो जेन्युइन लग रहा था,
मामला किडनैप का ही है ना? देखिए पद्मावती जी, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। 10 लाख कैश, 10 तोले सोने के साथ मेरी बेटी को उठाकर ले गया, ऐसा केस बनाओ आप। उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसके हाथ पैर तोड़कर उसका सेल लेकर सेल में उसे डाल दो। ऐसे पुलिस वाले हो तुम? सुनिए श्रीनिवास जी, हाँ क्या है? काम कीजिए, वहाँ से सीधा कमिश्नर ऑफिस जाइए, फॉर्म देंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैपिटल लेटर में फिल कीजिए, फिर वो ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे आपको। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी पोस्टिंग की जाएगी। पोस्टिंग के बाद आप उसे जैसे चाहे वैसे पकड़ सकते हैं। एक ऑफिसर को सिखाता है ये कैसे पकड़ा जाए। देखो श्रीनिवास, भैंस के सामने बीन बजाओ, पद्मावती के सामने नहीं। चल रख फोन। सुनो भाई, ये बीन कहाँ मिलेगी? बीन क्या, किस लिए चाहिए? भैंस के सामने बजाने के लिए। यार मैं थोड़ा बोलकर मेरी शर्ट पहन कर चला गया। डूड कहाँ है बे? आई ट्रैफिक डूड। बस कर तू और तेरी इंग्लिश। डूड सामने कोई लड़की खड़ी है क्या? आई कॉल यू लेटर। अंडरस्टैंड मी यार। डूड डूड मैं राइट में हूँ। डूड पागल कहीं का। कितनी खूबसूरत है यार। ओह माय गॉड, देख 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 देख। एक्सक्यूज मी, अपनी फ्रेंड को कॉल करना है, आपका फोन यूज कर सकती हूँ? फोन? फोन क्या, आप मांगो तो जान हाजिर है आपके लिए मेरे। एक बार मांग के तो देखिए। हेलो संजू, मैं अम्मू बोल रही हूँ। अम्मू सॉरी यार, वहां तुम्हें देखा था लेकिन रत्ती राजा भी वहीं था इसलिए कुछ कर नहीं पाया। कुछ नहीं होगा संजू, तुम हिम्मत रखो, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मुश्किल दौर आते रहते हैं। तुम्हारे पापा ने पुलिस में कंप्लेंट की है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। एक तरफ रत्ती राजा, एक तरफ पुलिस, जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, सब मेरे बुरे वक्त की वजह से। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अम्मू तुम जाकर अपनी फ्रेंड प्रियंका के घर पर रहो, सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, तुम रिलैक्स रहो, ओके, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। हे, इट्स ओके। आई एम मानिक, यू? अमूल्या। ओह, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। आपके पापा ने आपको ऑर्डर देके बनवाया था क्या? आई हैव टू गो। अमूल्या, हम साथ में कॉफी पी सकते हैं क्या? सॉरी, आई एम एंगेज्ड। बिजी हो? नो नो, आई एम कमिटेड, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये भी ना, गोलकीपर है तो क्या, प्लेयर गोल तो मारता ही है ना। अमूल्या,
कहिए क्या चाहिए सर? मैंगो, मौसम्बी, बनाना, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। पानी चाहिए। वाटर क्यों सर? वाटर में क्या है? फ्रेश जूस लीजिए सर। सर लीजिए ना, क्या चाहिए बताइए सर। हाँ जीजू। संजू कहाँ हो? माधोपुर में। अरे वाह, माधोपुर में तो मैं भी हूँ। कहाँ हो? यहाँ एक जूस शॉप है वहाँ। अरे रे, लंच के टाइम पे जूस क्यों साले साहब? यहाँ पास में सेवन बिरयानी होटल है, आ जाओ लंच वहीं पर करते हैं। पर वो पर कुछ नहीं, देखो साले साहब, आ रिलेशनशिप बिटवीन चीजा एंड साला शुड बी लाइक द फिश एंड द वाटर, शुड नॉट बी लाइक, समझ गए ना? तो फिर आ जाओ। सर 1 मिनट। संजू क्या ऑर्डर करूं? भूख नहीं है जीजू। भूख तो मुझे भी नहीं है, पर वक्त पे अगर खाना नहीं खाएंगे तो पेट में गैस बनेगी। हाँ हाँ, दोनों के लिए एक एक पुलाव लेकर आओ। एक एक पुलाव से चल जाएगा ना? एक बिल्ली चिकन, ओ चिली चिकन, उसके बाद चिकन कबाब। ओके सर। जब बहुत जोर से भूख लगती है तो जुबान लड़खड़ाने लगती है संजू, आदत बदलनी पड़ेगी। वेटर सर, बिरयानी में प्याज ज्यादा, बिरयानी में प्याज ना हो, पलंग पर फूल ना हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओके ओके सर। कुछ नहीं संजू, एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। पुराने बिजनेस का क्या हुआ? उसे साइड में रख दिया, वैसे ठीक ठाक ही चल रहा था लेकिन फिर भी लॉस ज्यादा था। अपने गांव वालों को तो तुम जानते ही हो, नया बिजनेस शुरू करने पर हजार बातें करते हैं। अगर उनके मुंह पे ताला लगाना है तो नया बिजनेस शुरू करना ही पड़ेगा, और नया बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अर्जेंटली 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख?
वो क्या है, अगर अभी देने में तुम्हें परेशानी हो रही हो तो शाम को 5 बजे तक का वक्त ले लो। आपने पहले क्यों नहीं बताया? सुबह से ही तो मिलने के लिए कह रहा था। तेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं संजू, तू चाहे तो मनी से मांग ले, मनी तुझे पैसे के लिए मना नहीं करेगा। रतिराजा ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ना तो मुझे फोन मत करना प्लीज। मुझे ब्याज पर पैसे नहीं चाहिए, मेरे दहेज के जो पैसे रखे हैं ना उसी में से काट लेना। बिजनेस अच्छा होना चाहिए, बिजनेस अच्छा रहेगा तो मैं भी अच्छा रहूंगा, मैं अच्छा रहूंगा तो तेरी दीदी अच्छी रहेगी, और वो अच्छी होगी तो तू अच्छा होगा। चिकन अच्छा है ना संजू, तुझे भी अच्छा होना चाहिए। खाओ खाओ। सर कुछ और लेकर आना है क्या? सिंघम की 2 टिकट लेकर आओ, जाओ। जोकर, एक पाइनएप्पल जूस। ओके सर। बिल डिस्काउंट नहीं है? कला मंदिर में, यहाँ नहीं है। जोक सर, जोकर। साले के होते जीजा पैसे देगा तो साला बुरा मान जाएगा, है ना संजू? शाम को मैं 2 लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम साथ चलोगे? एक्चुअली मेरा दोस्त आ रहा है जीजू, यहीं वेट करूंगा। ओके संजू, लेकिन 5 बजे भूलना मत, 5:30 बजे की बस है मेरी, पंडित जी ने कहा है बहुत अच्छा मुहूर्त है बिजनेस शुरू करने के लिए। ओके तो मैं चलता हूँ। जल्दी से भाग जाता, डोर भी पास ही है। बिल मैं पे कर दूंगा। हे भगवान, पॉकेट में 1 रुपया है। भाग ले। हेलो यार मणि, तेरे ऑफिस के पास 7 बिरयानीज में हूँ, एक बार यहाँ आ जा, तेरे पैर पड़ता हूँ प्लीज। पैसे चुरा रही है? तू छोटा बच्चा है क्या? वो पैसे लेकर जा रहा था, तू क्या कर रहा था? इतना बड़ा हो गया है पैसे संभालना नहीं आता। तेरे पैसे ले जाने के बाद उसने मेरे ऑफिस में आकर मुझसे किस तरह की बात की तुझको पता भी है? अबे 20 सड़क पे कड़ी धूप में कपड़े उतार कर खड़ा करने पर कैसा लगता है पता है तुझे? संजू तू पैसा दे दे वरना हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, उसने तभी कहा था कि जिम्मेदारी मेरी होगी। देख यार, एक फ्रेंड के नाते जो करना चाहिए मैंने सब किया, अब एक फ्रेंड के तौर पर तुझे क्या करना चाहिए तू सोच ले, मैं चलता हूँ। यार मणि एक बार रुक जाए यार। क्या है? राजा चिकन पुलाव, चिकन कबाब, पाइनएप्पल जूस, क्या जिंदगी है तेरी, पिछवाड़े बॉम्ब रखा है ये सब खा रहा है तू? मेरा जीजा आया था यार, उसी ने ये सब। बिल कैसे पे करूं समझ में नहीं आ रहा था, आधे घंटे से यही बैठा हूं यार, एक बार मदद कर दे प्लीज यार। चल। कार्ड डिक्लाइंड। क्या डिक्लाइंड? हाँ। बस 1 रुपए कम है। यार वो रति राजा कितना खतरनाक है हम दोनों जानते हैं, शाम 5 बजे तक तूने पैसे दे दिए तो ही रूम पर आना वरना मत आना।
दोस्तों से पैसा लेते वक्त एक बात ध्यान में रखना, तेरे लिए दोस्ती जरूरी या फिर पैसा जरूरी है। अगर पैसा जरूरी तो दोस्ती छोड़ दे, और दोस्ती जरूरी तो फिर पैसा चुका दे। यार ए, खाते में लिख ले। अरे आज तो हिसाब करना था ना। अरे हिसाब बाद में करूंगा यार। कहां रखा था? इस तरह खुजला क्यों रहा है? खुजली हो रही क्या भाई? कहां चला गया? मेरे नंबर पे कॉल कर। हां भाई। घंटी जा रही है भाई, यहां से आवाज आ रही है। ए बोले से। फोन दे। बटन कहाँ है इसमें? टच स्क्रीन है भाई। कितने का है? 10,000 का भाई। 10,000 का है? और बटन भी नहीं है। ले पकड़, नंबर लगा। 9 9 8 8 6 6 3 3 3 4 4 3 2 3 2 1 1 मिला। ठीक है, तू चुप रह। हेलो मानिक, रत्ती राजा। पकड़ा गया। हाँ भाई। ए, खुद को हीरो समझता है क्या जो लड़कियों के पीछे घूमता रहता है? लड़की? उस लड़की को मैंने किडनैप कर लिया। कौन सी लड़की? हाँ, चर्च के पीछे घूम रही थी ना, उस लड़की को। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ भाई। ए सोन, 5 बजे तक का वक्त है, पैसे देकर लड़की को ले जा। लड़की देखने में खानदानी लगती है, और मैं अलग टाइप का इंसान हूँ। 5 बजे तक का वक्त है, पैसे देकर लड़की को ले जा। ए, अगर गांजा या कुछ और पीकर ज्यादा दिमाग चलाया तो तेरे भाई को बता दूंगा, और मुझे तो तू अच्छी तरह जानता है मानिक, ध्यान रखना। पूरे देश की बदनसीबी ने शायद मुझ पर ही नजर डाल रखी है। शाम तक रत्ती राजा को पैसे वापस करने। मेरे दोस्त मणि ने मुझ पर जो भरोसा किया उसे कायम रखना होगा। अम्मू को घर ले जाना है। पुलिस स्टेशन में जो मुझ पर केस है उसे गलत प्रूव करना है। जीजा को 1,00,000 दहेज के पैसे देने। ये सब कुछ शाम 5 बजे के अंदर होना चाहिए। शायद किसी बड़े आदमी ने कहा था पैसों से खुशी को नहीं खरीद सकते, पर अब मुझे लग रहा है कि शायद खरीद सकते हैं। ईमानदारी से मेहनत करके नौकरी मांगने पर एक्सपीरियंस नहीं है बोलते हैं, पर नौकरी करने से ही तो एक्सपीरियंस आएगा ना, ये कोई क्यों नहीं समझता। एक्सपीरियंस के बिना करने वाले 2 ही काम हैं, एक भीख मांगना, दूसरा चोरी करना। भीख मांगने के लिए मेरी ईगो बीच में आ जाती है। ये क्या है बे? एफिल टावर है क्या तू? सेल्फी, टॉल सेल्फी। इस एरिया में जो भी किडनैपिंग होती है तुम में से किसी एक का हाथ होता ही है, बताओ
अच्छा बताओ कि इसकी किडनैपिंग में किसने मदद की थी? हमें नहीं पता सर। हे, तुम छह में से किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट इसकी किडनैपिंग में जरूर है। जब पता है कि कोई एक है तो बाकी पांचों को क्यों बुलाया? तो दीवार पेंट कर। लगता है मेरे बारे में तुम लोग जानते नहीं हो। कोई जानता हो तो उसे बुलाइए, मालूम कर लेंगे ना सर। कॉमेडी करेगा? दबंग 18 बार ब्लैक मटी कट लेके देखी है मैंने, पता है? मैंने सिंघम 28 बार देखी है। खून निकाल लूंगा तेरा। तो ओ पॉजिटिव खून निकालिए ना, डॉक्टर्स कह रहे थे कि शरीर में खून नहीं है तो उसकी जरूरत है। तुम लोगों को मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ? थोड़े मोटे थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं सर। आई लाइक यू, कम डाउन। आप बता कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ? माँ कसम अब भी वैसे ही दिख रहे हो सर। इट्स ओके, इज्जत से बता दो ये किडनैप किसने किया? किडनैप कोई भी इज्जत से नहीं करता है सर, वायलेंटली करता है। करने के बाद किडनैपर को इज्जत मिलती है सर। वाह, जबरदस्त। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जवाब में हम नहीं जानते ये नहीं सुनना चाहता, किसने की है ये किडनैपिंग? आई डोंट नो सर। मैं नहीं जानता सर। हमें नहीं पता सर। मुझे नहीं मालूम सर, हम झूठ नहीं बोलते सर। मजाक कर रहा था, तुम लोग तो राजा हरिश्चंद्र के खानदान के हो। बहुत अच्छा। मैं जो कहूंगा उसे रिपीट करोगे? करेंगे। भारत देश मेरी मातृभूमि है, मातृभूमि है। सारे पुलिस वाले भगवान भगवान है। पहली बार था इसलिए हाथ में घुसाया, अगली बार कुछ किया तो पता है ना कहाँ घुसेगा, याद रहेगा ना? ए, इन सब को ले जाके सेल में डालो। सेल में तो आप हैं सर। ओ, तो ठीक है, बाथरूम में डाल दो। हाँ, जाने से पहले एक सेल्फी, सैड सेल्फी। टेक इट। ए, इन सब को ले जाके अंदर करो। ओके सर। ले जाओ। हेलो, मेरी बेटी का क्या हुआ सर? किडनैप हुई है, उसी की इंक्वायरी कर रहा हूँ मैं। तब तक मैं क्या करूँ सर? तुम्हारे घर में फ्रिज है? हाँ है। ठंडा पानी है? हाँ है। एक रुमाल को ठंडे पानी में भिगोकर उसे मुंह पर रखकर सो जा। फोन रख। भीगा कपड़ा डालना है या सूखा कपड़ा डालना है ये बताएगा। ये सॉफ्टवेयर वाले कितना कमाते हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन ये लोग हमेशा कार्ड लेके घूमते हैं। एक रुपए नहीं है, चोरी करते वक्त देखता नहीं है क्या? चोरी करते वक्त सर, सर आपके पर्स में पैसा है या एटीएम में पूछते हैं क्या? इतना दिमाग रहने की वजह से ही पुलिस वालों के हाथों पकड़ा गया था। मैं पकड़ा नहीं गया था, उसने पकड़ा। रोल्ड गोल्ड दत्त। इसमें क्या है? मेरी डार्लिंग सरोज है ना, उसके पति को ड्रॉप करने बस स्टॉप पर जा रहा था। रास्ते में एक पागल पैसा निकाल कर गिन रहा था, लकीली उसे एक कॉल आया, उसने फोन उठाया, मैंने पैसे उठाए। बच्चू ने बहुत चेस किया और बीच में तू आ गया। वैसे तू वहाँ क्या कर रहा था? अंकल ने तुझे बुलाया, आंटी ने मुझे आने को कहा। रास्ते में जा रहा था, सड़क पर तुम लोग को लड़ते हुए देखा। मैं समझ गया कि अगर तू है तो पैसे का ही मैटर होगा, इसीलिए तुरंत ऑटो को कॉल किया और मैं भी आ गया। और कितने दिन ये चिल्लर जिंदगी? चिल्लर कहाँ है यार, सारे नोट ही तो हैं। तो तू क्या करेगा? मेरे पास एक प्लान है। हेलो, हाँ मैं ही हूँ, नंदमुरी बालकृष्णा नहीं, पोसाना बालकृष्णा। क्या क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल में? ऐसा क्या? ए, गाड़ी निकालना जल्दी। भाई ये क्या हो गया? भैया रोड क्रॉस कर रहा था, ऑटो ने टक्कर मार दी, टाइम पे इसने आके बचा लिया। मैं, अगर ये नहीं होता तो आप यहाँ आकर मुझे बुलाते रहते और मैं कुछ नहीं सुन पाता। भाई अभी सुनाई दे रहा है भैया, तब नहीं सुनाई देता। तुम्हारा नाम क्या है? संजय सर। संजय, तुम्हें पता है मेरा भाई कब पैदा हुआ था? ओह माय ब्रदर। कहो कि पता नहीं है? पता नहीं सर। पता नहीं है ना? जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था तब मेरे माँ बाप ने इसे जन्म दिया था, इसलिए इसे अपने भाई से ज्यादा अपने बेटे की तरह पाला है मैंने, पता है? इसने कपड़ा कहा तो कपड़ा, खाना कहा तो खाना, कॉफी कही तो कॉफी, टी कही तो टी, और जब जब इसने कहा कि गाना गाना, मैंने गाना भी गाया इसके लिए। अपने भाई के लिए मैंने बहुत गाने गाए हैं, और मैं जिस दिन गाना नहीं गाता था ना, उस दिन ये सोता नहीं था संजय।
पता नहीं क्यों इसे मेरे गाने का इतना पागलपन है। ऐसी आवाज सुन के कोई भी पागल हो जाएगा भाई। कुछ बोल रहे हो क्या? दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? हाँ भैया, मैं गाना गाता हूँ ना भाई, दर्द अभी कम हो जाएगा। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू मेरी आँखों का तारा। ऑटो को नंबर देखा क्या? हाँ देखा था सर। तो नंबर बता। TS07CU5305। ए पद्मावती को कॉल करना। पद्मावती 10,000 मांग रही है भाई, नगमा को सेट करता हूँ ना, 5 में ही आ जाएगी। अरे मैं ऐसा ही पद्मावती की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही पद्मा भाई, ऐसा ही पद्मावती है। हेलो हेलो, बाल कृष्णा जी बात करेंगे। हेलो पद्दू, देखिए ऐसे बुलाता जैसे उसकी बीवी हूँ। हाँ भाई बोलिए। यहाँ मेरे भाई को किसी ने ऑटो से टक्कर मार दी है। ऑटो ड्राइवर और ऑटो ऑनर आधा घंटे में मेरे सामने चाहिए मुझे। गाड़ी का नंबर पता है? एक मिनट लाइन पे रहो, नंबर बताता है। हाँ बोलो। यस 07 07 53 05। और पद्मावती जी क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? तेरा सर फोन रख। भाई। सर तुम क्या करते हो? जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। कहाँ तक पढ़ाई की है? बीटेक कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर या साइंस? कंप्यूटर साइंस दोनों मिलाकर। ऑसम ऑसम। एक काम करो, ये लो पकड़ो इसे, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो। अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, अपनी मेरा मतलब मेरी नहीं मेरी बीवी की है, इसे लेकर इंटरव्यू के लिए वहाँ जाओ, तुम्हें फौरन नौकरी मिल जाएगी। इस कंपनी में मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया था, एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए नौकरी नहीं दी। किसने मना किया तुम्हें? किसने मना किया? हमने नहीं किया भाई। अच्छा सुनो, कंप्यूटर में तुमने क्या क्या पढ़ाई की है? सर वो C++, जावा, ओरेकल, .NET, बेसिकली कंप्यूटर के सारे कोर्सेज जानता हूँ सर। CD बनानी आती है क्या तुम्हें? सर CD बनानी आती है या नहीं ये बताओ। DVD भी बनानी आती है सर। CD बनानी आती है या नहीं ये बताओ। आता है सर। ऑसम ऑसम, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस और किसको चाहिए? मेरी कंपनी में तुम्हारी नौकरी पक्की, ये मेरा वादा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी बात तो। हाँ बोलो ना। पेशेंट की तरफ से कौन आया है? Hey, girl voice. उसका भाई है ना? तो बुलाइए। अरे मैं ही हूँ। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, आइए। बोल दो सर आ रहे हैं। सर यहाँ सर कौन है? मैं हूँ ना, बोल दो सर आ रहे हैं। टू मच भैया टू मच। सुन भाई, मेरे इस भाई का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। सर ऑफिस जाकर ऑटो के बारे में पता किया था सर। ड्राइवर हमारे एरिया का है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। गाड़ी निकालो। निकल रही है सर। ऐसे क्या देख रहा है? जिप। भैया टाइम क्या हुआ है? 5 बजने वाले। एग्जैक्टली कितने बजे? फोर फिफ्टी एट। सिर्फ 2 मिनट बचे। संजू 1 पॉइंट, शाम 5 बजे तक ब्याज और मूल दोनों चाहिए। माने मेरे पास सिर्फ 5 बजे तक का वक्त है। शाम 5 बजे तक तुमने पैसे दे दिए तो ही रूम पर आना, वरना मत आना। मुझे अर्जेंटली 1,00,000 रुपए चाहिए। तेरी दीदी खुश रहेगी तो तू भी खुश रहेगा। 5 बजे भूलना मत, मुझे पता है तू नहीं भूलेगा। 5 बजे तक का टाइम है। संजू इसमें सेकंड पॉइंट है ही नहीं। सर क्या हुआ था? वो 5 बजे तक। तुम चुप रहो। हाँ तुम बोलो। रोड क्रॉस कर रहा था, ऑटो ने टक्कर मार दी। अरे अरे अरे, इन्होंने ही बचाया मुझे। सिक्स सेल्फी, ओके? हाँ तुमने अपना नाम क्या बताया था? वो मेरा नाम। वन मिनट। हेलो, मेरी बात सुनो श्रीनिवास। हाँ कहिए। तुम्हारे ही काम में लगा हूँ। तुम्हारी अमूल्या को तुम्हारे हवाले करने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना?
प्लीज फोन रखो, नहीं तो क्या पकड़ के घूमता रहूंगा। पता नहीं इसकी बेटी को किसने किडनैप कर लिया और ये मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। और तू मोटे, हर कंप्लेन करने वाले को मेरा नंबर क्यों देता है तू? मैंने नहीं दिया सर। हमने नहीं दिया सर। तुम लोगों से पूछा क्या? बासीमो, क्या नाम बताया वो? अरे पद्दू तू आ गया? आ गया सर दर्द। वो ऑटो वाला मिला कि नहीं? हाँ। कौन है वो? रत्ती राजा। रत्ती राजा? 5 बजे तक का टाइम है। रत्ती राजा तू मुझे अच्छी तरह जानता है ना मानिक? वही कॉल मनी रॉकेट राजा। कॉल मनी रॉकेट राजा? अरे कॉल मनी मतलब ब्याज छीनना, दूसरों का घर छीनना, जायदाद छीनना, लड़कियों को छीनना। अरे रे 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 रे, मुंबई को इसने वापस बॉम्बे बना दिया रे। भाई सर तुम्हें उससे निपटना ही होगा। हाँ चलो आओ चलते हैं। मेरा क्या काम सर? आप ही भाई, तुम मुझे नहीं जानते हो। उसने मेरे भाई को ऑटो से टक्कर मारी है और वैसे मैं बहुत टेंशन में हूँ। बेकार में मर्डर कर दूंगा मैं। मर्डर वेस्ट नहीं होना चाहिए। अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए मैं तुम्हें साथ लेके जा रहा हूँ। सर 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 नहीं सर, प्लीज सर। मैंने तुम्हें बिना पूछे एक जॉब दे दी ना, अब मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें आना ही होगा। चलो आओ, कम ऑन। मोर टू एरी नहीं, मोर्चरी, मुर्दा घर। पता पता हाँ। ये बता रत्ती राजा कहाँ है? सर रत्ती राजा सर। अरे इसे क्या हो गया? एक्सीडेंट में निकल लिया। मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहता था। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी को भी मैं साथ लेकर आ रहा था। तो सही कहा ना भाई? ए रत्ती राजा, मेरी परमिशन के बिना कैसे मर गया तू? तुझे मेरे हाथों से ही तो मरना था, मेरी तलवार से ही तो तुझे मरना था। गॉड मस्ट बी क्रेजी। वैसे तुम लोग शादी कब कर रहे हो? आपका कर्जा चुकाने के बाद शादी कर लूंगा भाई। हाँ भाई, संजू मानिक। और कौन है? आज उस लाइट हाउस से पैसा भी लेना भाई। लाइट हाउस? और कितने दिन ये चिल्लर बटोरेंगे? चिल्लर कहाँ है भाई, सब नोटी तो है ना। अब क्या करेगा? मेरे पास एक प्लान है। लाइट हाउस, रत्ती राजा। भाई पैसा तैयार है भाई। तेरे अड्डे पर आ जाऊं क्या? आ जाओ भाई, मैं यही हूँ। गाड़ी में बैठो। जी भाई। मैं चलाऊं। ठीक। ए प्लान याद है ना? माइंड में फिक्स हो गया भाई। ए रत्ती राजा आ रहा है, तू जा जा। तेरा वक्त अच्छा है, इसीलिए वक्त पर दे दिया। तू तो अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या करता। मेरे साथ चालाकी की कोशिश मत करना लाइट हाउस। वरना कहाँ जा रही है भाई? भाई कहाँ जा रही है? भाई कहाँ लेके जा रहा है? एक जा रहे हो? चलो पकड़ो, पकड़ो उसे। ए नो नो उसे। चलो पकड़ो उसे। देख भागो, इधर देख भागो। ये भाग भाग ले गया वो। भाई आपको किसी ने मारा है? भाई आपका पैसा ले गया? भाई आपका पैसा? भागो भागो भागो, छोड़ो मत भाई, भागो प्लीज भाई, भागो उसे पकड़ लो। पैसे भाई, आप चारों को भाई, आप चल रहे हो, पकड़ लो उसे, पकड़ लो।
कूदो भाई कूदो, भाई जल्दी छलांग मारो नहीं तो वो पैसे देकर चला जाएगा। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, रत्ती राजा को पैसे मैं दे दूंगा। काली उसकी कार लेकर चला जाएगा, उसके पीछे मुड़कर देखने से पहले तू उसके हाथ से पैसे छीनकर भाग जाना, समझ गए ना? वापस बता यार। क्यों समझ में नहीं आया? मैं कार चुराऊंगा, ये पैसे चुराएगा, तू वहाँ पे क्या करेगा? सेल्फी खींचेगा। वापस बता यार। ए ट्यूब लाइट, जो बोल रहा हूँ वो समझ। मैं लाइट हाउस हूँ कुणाल, रत्ती राजा को जब मैं पैसे दूंगा तो काली कार ले जाएगा, रत्ती राजा के पीछे मुड़कर देखने से पहले तू पैसे लेकर भाग जाएगा। अगर वो नहीं मुड़ा तो? मुड़ेगा ना यार। कैसे कह सकता है तू? रत्ती राजा के मुड़ते ही उसके हाथों से पैसे छीन कर तू भाग जाएगा। लेकिन तू खुद छीन सकता है ना? ओह, रत्ती राजा तुझे जानता है, हम दोनों को नहीं जानता, इसीलिए ना। मतलब हम जो पैसे देंगे उसे हम खुद चोरी करेंगे। नोटिस या टेल मी, अगर टाइमिंग मिस हुई तो मैं भाग जाऊंगा। और मैं? तू मर जाएगा। रोड है, जो भी सामने आए उसे ठोक दे। अच्छा
आजा, जल्दी आ। भाई को क्या हुआ? आजा। चलो रास्ता दो भाई साहब। हटो, इसी को बुरा समय कहते हैं। एकदम पॉइंट पे ऑटो ने टक्कर मार दी, बचने का सारा चांस ही खत्म हो गया। हट जाइए, हटिए हटिए हट जाइए। आई एम वेरी सॉरी, ही इज नो मोर जेंटलमैन। तुम सचमुच के डॉक्टर हो या मूवी में एक्टिंग करने वाले डॉक्टर हो? आपको ऐसा शक क्यों हुआ? शक तो होगा ही ना, मुर्दा घर के सामने लाश को पकड़कर सॉरी नो मोर कहते हो, ये कौन सा तरीका? आई एम वेरी सॉरी, मैंने कई दिनों से ड्यूटी नहीं किया। अरे जाओ ना। मैं MBBS डॉक्टर हूँ जी। सच में? तो फिर अपना सर्टिफिकेट दिखा। सर्टिफिकेट घर पर फाइल में रहता है सर। तो घर जाके इलाज करना, यहाँ क्या कर रहा है पागल कहीं का? चल जा। ओके, इट्स ऑल राइट। पद्मावती सर। यस सर। तुम जाओ। हाँ बोलिए। पद्दू, इस रत्ती राजा की मौत एक्सीडेंट में हुई है, ऐसा केस कर दे। और सुन तू। जी भाई। रत्ती राजा को हमने मारा, इस बात का प्रचार पूरे स्टेट में हो जाना चाहिए। पेपर में छपवाना है क्या? अरे बातें ही काफी है यार। सर। हाँ बोल। मैं चलता हूँ सर। अरे तूने तो कहा था तुझे कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ सर, बिल्कुल इसकी तरह। हाँ सर, इसकी तरह। आज जब वक्त बुरा होता है तो कितनी भी कोशिश कर लो सब कुछ उल्टा ही होता है, अच्छे वक्त पे सब अच्छा होता चला जाता है। ओके भाई, ऑफिस में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू संजू, थैंक यू। क्या नाम बताया था वो? संजू सर। संजू, सुबह तुमने मुझसे बात की थी ना? बद्दू, अब ये मेरा स्टाफ है। आपका? यस। ओके, तुम जाओ, तुम जाओ, मैं सब संभालूंगा, तुम जाओ। थैंक यू सर। हेलो। कहा था शाम 5 बजे तक मेरी बेटी घर पर आ जाएगी। मैं तो घर पर आ गया हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है? फोटो सारे थाने पर भेज दिया है, जैसे ही खबर मिलेगी बता दूंगा। सर, मैं अमूल्या की माँ बोल रही हूँ। हाँ कहिए। ये इंसान बदले की आग में मेरी बेटी की इज्जत उछाल रहा है। माँ की तरह बात कर रही हूँ। मेरी बेटी और संजू एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप उसे ढूंढना छोड़कर अपना काम कीजिए। ओके 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 ओके। वैसे आपका नाम क्या है? अच्छा नाम है तो बताइए ना। पद्मावती। आई एम उमर गंगा, नाइस टॉकिंग टू यू, बाय। पद्दू, फोन कहाँ से था? होम। पद्दू, तू होम मिनिस्टर को जानता है? अब मैं चलना चाहूंगा, एक सेल्फी। पद्दू, होम मिनिस्टर को मेरा बाय बोलना। ओके। ए सुन रे बाय, होम मिनिस्टर कौन है रे? हम ही है भाई। तुम्हारी? ए भाई ने किस किस को पैसा दिया सिर्फ मुझे ही पता है, मैं ही लीडर हूँ। ए किसके बीवी और बच्चों को किडनैप करना है मुझको पता है, लीडर मैं हूँ मैं। चुप, आप जाओ भाई। क्या बोल रहा तू? तेरा जाकर राइट हैंड लेफ्ट हैंड हूँ मैं, लीडर हूँ मैं। I wanna follow 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 you. I wanna follow 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 you. ऐसे क्या देख रहे हैं? सब लोग ऐसे ही करते हैं, तू अलग करता है क्या? ओ ब्लू शर्ट, बहुत हो गया, चल जा यहां से। जाना ऐसे क्या घूर रहे हैं? एक लड़के ने मुझे मारा यार। ए, खून भी निकल रहा है। अबे किसने मारा तुझे? अबे यार दिखाता हूँ ना, चल चल रहे। ए, वही है। ए, ए, तुझे ही बोल रहा है। ना।
प्रियंका के पास जाना था ना, और तुम यहाँ डिक्की में छुप गई। तुम भी ना। चलो क्या हुआ? मेरी चेन इसी ने चुराई थी। अम्मू नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, अम्मू मर जाएगा। अम्मू बस बस, हो गया। तुमने तो उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी, तुमसे तो बचकर रहना पड़ेगा। हेलो। हाँ संजू। बोलो जीजू। तो पैसे? हाँ मिल गए। मिल गए अभी? किसने दिए? दोस्त ने दिए। तुम्हारी दीदी अच्छी रहेगी, और तुम्हारी दीदी अच्छी रहेगी तो। रत्ती राजा क्यों मर गया? उसने अम्मू को किडनैप क्यों किया? चोर मुझे वापस क्यों मिले? उस एसआई पद्मावती ने मुझे क्यों नहीं पहचाना? मुझे जॉब कैसे मिल गई? ये सब कुछ एक ही दिन में कैसे हो गया? इन सारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। इन सब के बारे में ज्यादा सोचकर दिमाग खराब करने से एक सिगरेट पीना और प्यार करने वाली लड़की को गले लगाना बेस्ट होगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ डिसाइड करने वाला वक्त है। वक्त दो तरह के होते हैं, एक अच्छा वक्त, दूसरा बुरा वक्त। बुरा वक्त अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंडिकेटर की तरह होता है। गुड टाइम ऑलवेज फॉलोज बैड टाइम। गुड टाइम स्टार्ट्स नाउ।